नमस्कार, द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आपको बता दूं कि कठुआ टेरर अटैक में 50 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है और इन 50 लोगों में एक टिप्पर ड्राइवर भी है जिससे पूछताछ की जा रही है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये टिप्पर ड्राइवर हादसे से कुछ समय पहले सैन्य वाहन के आगे चल रहा था और सैन्य वाहन का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा था, यानी कि सैन्य वाहन को आगे जाने की जगह नहीं दे रहा था। अब इससे पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या जानबूझकर इसने रास्ता रोका था, जानबूझकर सैन्य वाहन को वहां पर रोकने की कोशिश की गई थी। इसी संदर्भ में इस टिप्पर ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 50 और लोगों को डिटेन किया गया है और इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। लगातार कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद वहां पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सिचुएशन काफी टेंस है और जम्मू कश्मीर पूरा इस समय हाई अलर्ट पर है। वहीं इस बीच राजौरी से भी एक खबर सामने आ रही है जहां पर LOC के पास एक ब्लास्ट हुआ है। कल देर रात की ये घटना है जहां पर आपको बता दें कि LOC के पास लाम सेक्टर के नजदीक ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें गनीमत ये रही है कि किसी भी तरह का नुकसान वहां पर नहीं देखने को मिला है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की ओर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही थी और इसी सिलसिले में ये ब्लास्ट भी किया गया ताकि जो वहां पर जवान तैनात हैं उनका ध्यान भटकाया जा सके और इतने समय में इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा सके। लेकिन जो जवान वहां पर मौजूद है वो काफी सतर्कता से काम कर रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही उसके अनुसार इस ब्लास्ट में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन LOC के निकट ये ब्लास्ट हुआ है। राजौरी का लाम सेक्टर ये है जहां पर कल देर रात जीरो लाइन के पास ये ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद वहां पर कुछ मूवमेंट भी देखी गई है, लेकिन वहां पर जो तैनाती है जवानों की वो बढ़ा दी गई है और कोशिश यही है कि अगर इस तरह का घुसपैठ का कोई प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है तो उसे असफल कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के इस समय जो हालात बने हुए हैं, जम्मू संभाग को लगातार दहलाने की कोशिश की जा रही है। कठुआ में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद डोडा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई और उसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। कल देर रात ये खबर सामने आ रही थी कि उधमपुर के बसंतगढ़ में भी एक आतंकी हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि इस तरह का कोई आतंकी हमला वहां पर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जो इलाके हैं वहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बल पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हैं, कोशिश यही है कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं कठुआ पर वापस आऊंगी। कठुआ आतंकी हमले के बाद जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार वहां पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा जो इलाका है वहां पर तलाशी अभियान लगातार चल रहे हैं, पैरा कमांडो वहां पर उतारे गए हैं, चॉपर्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सारी टेक्नोलॉजी वहां पर यूज की जा रही है क्योंकि इलाका वहां पर घने जंगलों वाला है, इसलिए काफी कठिनाइयों का सामना वहां पर सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पूरा इलाका है उसे खंगाला जा रहा है, कोशिश यही है कि वहां पर अगर आतंकी छिपे हुए हैं तो उन्हें दर दबोचा जाए। वहीं उसके साथ साथ जिला डोडा में भी लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। कठुआ में तो तलाशी अभियान चल ही रहा है और अभी राजौरी की अगर बात करें, राजौरी में कल रात को हुए ब्लास्ट के बाद वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इन सभी जिलों में ये बात सामने जो एक निकल कर आ रही है उससे ये लग रहा है कि सभी जो जिले हैं वहां पर आतंकियों की मौजूदगी है। कहीं ना कहीं ये जो आतंकियों की हरकतें हैं वो जता रही हैं कि आतंकी इन सभी जिलों में मौजूद हैं और इनकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए सुरक्षा बल भी काम कर रहे हैं। अभी सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कठुआ आतंकी हमले के बाद जो सिचुएशन है उसको रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी वहां पर होने वाली है जिसमें जम्मू कश्मीर के DGP और पंजाब के DGP जो हैं वो मौजूद रहेंगे और वहाँ की जो सिचुएशन है उसको लेकर इस पर चर्चा होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि एक हाई लेवल मीटिंग पंजाब और जम्मू कश्मीर की पुलिस के बीच में होने वाली है और कई सारे मुद्दों को लेकर बात होगी, सिक्योरिटी रिव्यू की जाएगी और एक पुख्ता स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि कैसे आतंकवाद से निपटा जाए, कैसे इससे डील किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।
आंखों में धूप पड़ रही है।